दोस्तों, आप सभी का फिर से एक बार यूनिक इन्फॉर्मेशन आपके इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। तुलसी तुलसी आप सभी को मालूम है दोस्तों, तुलसी एक हर्ब क्वीन है, एक संजीवनी समान। इसके फायदे हैं, इसके प्रकार और इसके महत्व के बारे में हम इस वीडियो के माध्यम से जानने वाले हैं। आप सभी जानते हैं कि बहुत सारे बुज़ुर्ग लोग तुलसी के बारे में बार बार बताते रहते हैं कि तुलसी के पत्ते का, उसके टहनिये का और अन्य सारे अंगों का क्या क्या लाभ होता है। दोस्तों, लगभग 200 प्रकार के समस्याओं पर तुलसी एक रामबाण है और ये तुलसी हमारे लिए संजीवनी समान है। इसके बारे में हम इस वीडियो के माध्यम से जानने वाले हैं। तुलसी में बहुत सारे तत्व पाए जाते हैं। तुलसी के इन सभी तत्वों के कारण, विटामिन्स और क्षार के कारण ये असाध्य रोगों में भी काम करती है। तो दोस्तों, तुलसी के लगभग 5 प्रकार होते हैं, वो प्रकार भी जानना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहला है राम तुलसी, यहाँ पे आप देख सकते हैं, कृष्ण तुलसी, श्वेत यानी विष्णु तुलसी, वन तुलसी, नींबू तुलसी, अमृता तुलसी, अफ्रीकन तुलसी, उसी के साथ मीठी तुलसी, ये सभी तुलसी के प्रकार है। कपूर तुलसी इसे भी कहा जाता है इस तरह से। तो तुलसी में क्या क्या पाया जाता है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी और विटामिन के भी इसमें पाया जाता है। उसी के साथ कैल्शियम, आयरन, क्लोरोफिल, जिंक, ओमेगा 3, मैग्नीशियम और मैग्नीज भी इसमें पाया जाता है। इसलिए ये सभी असाध्य रोगों पर काम करती है, जैसे कि स्किन का इन्फेक्शन हो, सर्दी खांसी, तनाव, कैंसर, एनीमिया, पीरियड में अनियमितता, पेट के संबंधित बीमारियां, पाचन तंत्र के संबंधित बीमारियां, गुर्दे की पथरी, उसके साथ इम्यूनिटी सिस्टम ठीक करने के लिए, उसी के साथ यौन रोगों में भी इसका लाभ होता है, उसी के साथ बालों का झड़ना, सफ़ेद बाल और इस समस्या से भी ये मुक्ति दिलाती है, स्किन इन्फेक्शन से भी राहत दिलाती है। स्किन इन्फेक्शन में ये बहुत ही कारगर है क्योंकि इसमें एंटीबैक्टीरियल, एंटी फंगल जैसी प्रॉपर्टियाँ हैं। इसके कारण यदि स्किन में कोई कहाँ पे इन्फेक्शन हो जाए तो ये इसके पत्ते का जूस अगर लगाते हैं तो तुरंत इससे राहत मिलती है। सर्दी खांसी में भी बहुत फायदेमंद है तुलसी, सर्दी जुकाम के लिए तो रामबाण है। मौसम में बदलाव होने के कारण ज़्यादातर लोगों की तबीयत खराब होती है और इसमें अगर तुलसी के पत्ते आप चबा के खाते हैं तो राहत मिलती है। यदि माइग्रेन, टेंशन, अनिद्रा का आपको प्रॉब्लम्स है तो ये जड़ से खत्म करती है। इसके लिए आप तुलसी का जूस पी सकते हैं या ब्लैक टी में या ग्रीन टी में तुलसी के पत्ते डालकर उसका सेवन कर सकते हैं। दोस्तों, ये एंटी स्ट्रेस एजेंट के रूप पर काम करती है, जो शरीर में या हमारे भेजे में जो टेंशन होता है वो दूर करती है। कैंसर से बचने के लिए भी बहुत ही लाभदायक है। कई शोधों में तुलसी के बीज को कैंसर के इलाज में भी कारगर बताया गया है। दरअसल तुलसी एंटीऑक्सीडेंट गतिविधियों को बढ़ा देता है और कैंसर ट्यूमर को फैलने से रोकता है, इसलिए कैंसर जैसी समस्याओं पर भी तुलसी रामबाण है। अनियमित पीरियड्स की समस्या अगर महिला को हो जाए तो रोज़ाना 2 पत्ते या 3 पत्ते तुलसी के खा सकते हैं, इससे पूरी तरह से राहत मिलती है। यदि बाल झड़ते हैं, बाल सफ़ेद हो जाते हैं तो इसके लिए तुलसी का रस आप बालों के जड़ पर लगाकर इससे आप मिजाज पा सकते हैं। यदि पाचन तंत्र खराब हो, गैस हो, एसिडिटी हो या अन्य समस्या पेट की हो तो उसके लिए तुलसी के पत्ते या तुलसी का जूस बहुत ही कारगर है। गुर्दे की पथरी के लिए भी तुलसी बहुत ही फायदेमंद पाई गई है, तो इसके लिए आप तुलसी के पत्ते का जूस या तुलसी के पत्ते का सेवन भी कर सकते हैं। यदि पथरी का प्रॉब्लम्स है तो उसके लिए भी ये बहुत ही रामबाण है। इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ाने के लिए तुलसी के पत्ते का जूस आप काढ़े में कर सकते हैं या ऐसे ही पत्ते आप खा सकते हैं। यदि पिंपल्स हो जाए, काले दाग धब्बे बढ़ जाए तो उसके लिए आप तुलसी के पत्ते का जूस वहाँ पर लगाइएगा। 15 या 20 मिनट बाद आप चेहरा वॉश कीजिएगा, इससे भी अच्छी स्किन आपको मिलती है, नैसर्गिक सौंदर्य मिलता है। इस तरह से स्किन और अन्य प्रॉब्लम के लिए तुलसी बेहद ही लाभदायक है।
उसी के साथ आयुर्वेद में लगभग 200 अलग अलग समस्याओं के लिए तुलसी का उपयोग किया जाता है। तो हमें आज से ही इस तुलसी का प्रयोग करना बहुत ज़रूरी है। यदि आप तुलसी का प्रयोग नहीं करते हैं तो रोज़ाना कीजिएगा। दोस्तों, यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।